हेलो फ्रेंड्स, ऑथर कैन होंडा का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक फेमस अकाउंटेंट थे। बचपन में जब वो अपने फादर के क्लाइंट्स को ऑब्जर्व करते थे तो उन्होंने पाया कि उनके कुछ क्लाइंट्स ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, वहीं कुछ क्लाइंट्स कम पैसा होने के बावजूद भी बहुत ही हैप्पी रहते थे। बाद में इसमें रिसर्च करके उन्होंने पाया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है मनी EQ। मनी कमाने के लिए आपको मनी IQ की ज़रूरत होती है, यानी कि अपने बिजनेस और जॉब का नॉलेज, इन्वेस्टिंग का नॉलेज। लेकिन मनी को मैनेज करने के लिए आपको मनी EQ की ज़रूरत होती है। आप अपने पैसों को लेके क्या सोचते हैं और किस भावना और किस पर्पस से आप उसे खर्च करते हैं। एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए मनी EQ और मनी IQ दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मनी को लेके क्या फीलिंग्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से हमारे मनी को लेके ओपिनियन बहुत ख़राब हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि मनी एक बुरी चीज़ है, या सिर्फ करप्ट और ख़राब लोग ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, या हम अपने दिमाग में लिमिट सेट कर लेते हैं कि हम इससे ज़्यादा तो पैसा कभी कमा ही नहीं सकते। मनी के प्रति आपके विचार जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, आई विल टीच यू टू बी रिच के ऑथर रमित सेठी इसे इनविजिबल स्क्रिप्ट कहते हैं और कैन होंडा इसे मनी वूंड्स कहते हैं। हो सके तो आप अपनी फीलिंग्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मनी सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, गुड्स का भी और एनर्जी का भी। आप अपने पैसों को कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपका मनी हैप्पी मनी होगा कि अनहैप्पी मनी होगा। हैप्पी मनी वो होता है जो आप मेहनत करके कमाते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसे इन्वेस्ट करते हैं, या उसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आप दान में देते हैं। यानी कि वो मनी जो आप लव, केयर और सर्विस की भावना से एक्सचेंज करते हैं, उसे कहा जाता है हैप्पी मनी। इस पेंडेमिक के टाइम में आप जो भी पैसा दूसरों की मदद के लिए दान करेंगे वो होगा आपका हैप्पी मनी। दूसरी तरफ आता है अनहैप्पी मनी, करप्शन या क्राइम से कमाया हुआ पैसा, डाइवोर्स के बाद दिया गया एलिमनी, या ऐसा काम करके पैसा कमाना जिसे करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो भी मनी एंगर, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की फीलिंग से एक्सचेंज होती है उसे कहा जाता है अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आती हैं, लेकिन अनहैप्पी मनी आपकी लाइफ में केवल टेंशन ही लाती हैं। हैप्पी मनी कमाने के लिए सबसे पहले आपको मनी के प्रति अपने एटीट्यूड को सही करना होगा। हैप्पी मनी आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा ही अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। हैप्पी मनी कमाने के लिए आपको अपने माइनर गिफ्ट्स पे फोकस करना होगा। हर इंसान के अंदर कुछ छोटे छोटे टैलेंट्स होते हैं जिसे ऑथर माइनर गिफ्ट्स का नाम देते हैं। ऑथर अपनी कहानी बताते हैं कि बचपन में उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने का शौक था, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें चुप करके बैठा देते थे। बड़े होकर जब ऑथर एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन गए तो उन्होंने अपने इस टैलेंट का यूज़ किया और वो बिजनेस कोच, फाइनेंशियल प्लानर और टीचर बने, और अपने इस टैलेंट से उन्होंने लाखों लोगों की मदद की। ऐसे ही अगर आप अपने अंदर तीन छोटे छोटे टैलेंट्स को डिस्कवर कर लेते हैं तो आप अपने माइनर गिफ्ट्स को यूज़ करके हैप्पी मनी कमा सकते हैं। जब भी आप मनी को रिसीव करते हैं या खर्च करते हैं तो आपको उसे थैंक यू जरूर बोलना है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अरिगातो मनी। अरिगातो का जैपनीज में मीनिंग है थैंक यू। जब भी आप पैसे को खर्च करते हैं तो आपको कहना है कि मेरे पास रहने के लिए थैंक यू मनी, और जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो आपको कहना है कि मेरे पास आने के लिए थैंक यू मनी। अब पैसे चाहे आपके पास जितने भी हों, ऑथर 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताते हैं जिसके जरिए आप अपने पैसे से हैप्पीनेस पा सकते हैं। पहला, बाय एक्सपीरियंस। पैसों को जमा करके महंगे गैजेट्स, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स लेने से अच्छा आप एक्सपीरियंस को बाय कीजिए। आउटिंग पे जाइए, वैकेशन पे जाइए, इससे आपके रिलेशंस मजबूत होंगे और आप इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे। ये आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा, मेक इट ए ट्रीट। जो भी करना या खाना आपको पसंद हो इससे आप ओकेशनली करते या खाते रहें, ताकि आपको अपने पैसे से हैप्पीनेस मिले और पैसा कमाने की होड़ में आपका समय ना निकलता जाए। थर्ड प्रिंसिपल, बाय टाइम। कोई भी स्पेंडिंग डिसीजन लेने से पहले आपको ये सोचना है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं वो आपका कितना समय लेगी। आज आपने मोबाइल ले लिया, कल आपने स्मार्ट वॉच ले ली, परसों आपने टैबलेट ले लिया, उसके बाद आपने TV ले लिया। ये सारी चीज़ें आपका टाइम लेती जाएंगी और आप एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इससे आपका पैसा तो गया ही, साथ में टाइम भी चला जाएगा और आपको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। फोर्थ, पे नाउ कंज्यूम लेटर। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, बाय नाउ पे लेटर, यानी कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप चीज़ों को तुरंत खरीद सकते हैं और बाद में आपको पैसा पटाने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपको चीज़ों को लेने का और उसके लिए वेट करने का एक्साइटमेंट खत्म होता जा रहा है। इसलिए किसी भी चीज़ को लेने के लिए आप पे नाउ कंज्यूम लेटर का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो आपको उसके मिलने की हैप्पीनेस दोगुनी हो जाएगी। और लास्ट, इन्वेस्ट इन अदर्स।
अपनी हैप्पीनेस अपने ग्रोथ के लिए तो हर कोई इन्वेस्ट करता है। रियल हैप्पीनेस आपको तब मिलेगी जब आप किसी और के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि डोनेट करेंगे। अगर आपने आज तक डोनेट किया होगा तो आपने उस फीलिंग को जरूर महसूस किया होगा, और अगर आपने आज तक कभी डोनेट नहीं किया है तो अगले $5 जो आप खर्च करेंगे वो दूसरों पे खर्च करके देखिए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की केन होंडा की बुक हैप्पी मनी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं शर्माइएगा। धन्यवाद।